हेलो क्रिएटिव फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, सभी चीज़ों का हम रीयूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा बहुत खास है। मैं हूँ चेतना पटेल और चेतनास क्रिएटिव क्राफ्ट चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं जो क्राफ्ट बनाती हूँ इसमें मोस्टली इस तरह की मास्किंग टेप का यूज़ करती हूँ। ये ख़त्म हो जाती है तो इस तरह के रोल बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे वेस्ट पड़े हुए थे, तो इन वेस्ट रोल्स का यूज़ करके आज हम क्राफ्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इन रोल्स को फेविकॉल MR से वन बाय वन, एक के ऊपर एक इस तरह से इन रोल्स को हम पेस्ट करेंगे। ये अच्छे से पेस्ट हो जाए इसके बाद हम इसके ऊपर क्राफ्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अच्छे से कोने से सभी लाइनिंग को मिला के इन रोल्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रख के इसे पेस्ट कर लीजिए। हमारे सारे रोल्स यहाँ पे अटैच होके रेडी हो गई है। मैंने 4 रोल्स लिए हैं, ये अटैच हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी तरह का लुक ले रहे हैं। अब हम इन कार्डबोर्ड्स के ऊपर इन रोल को रख के इसे हम मार्किंग करके कट कर लेंगे। तो ये हमारा कार्डबोर्ड भी मार्क हो गया है और ये कट के भी रेडी हो गया है। ये कटे हुए पार्ट को हम, ये हमने जो एक गोल बनाया है, एक रोल बनाया है, इस रोल के वन पार्ट में हम इसे फेविकॉल MR से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा आज का क्राफ्ट क्या है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम ये हमने जो डिब्बा बनाया है रोल्स का यूज़ करके, इसको हम मास्किंग टेप से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे ताकि ये नीचे का पार्ट है वो निकल ना जाए, सभी तरह से ये सिक्योर हो जाए। इसके बाद हम आगे का स्टेप अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी टेप लग के रेडी है। यहाँ पे मैंने ये टिश्यू पेपर लिए हैं। आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप इसकी जगह पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। इस टिश्यू पेपर को हमने जो एक डिब्बा बनाया है, बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के ऊपर फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिला के एक पतली पेस्ट तैयार करेंगे और इस पेस्ट से हम अच्छे से इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप टिश्यू पेपर की जगह पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास टिश्यू पेपर अवेलेबल था इसलिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। तो हमारा ये टिश्यू पेपर भी बहुत अच्छे से फेविकॉल से पेस्ट हो गया है और ये सूख के भी रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर कलर को अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे लाइट पर्पल कलर का यूज़ किया है और ये लाइट पर्पल कलर बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑल ओवर पर्पल कलर लग के रेडी हो गया है और ये सूख के रेडी हो जाए इसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये सूख के भी रेडी हो गया है और मैंने अंदर भी ये कलर को लगा लिया है। अब मैं ये जो मेरे पास वॉल पुट्टी कोन है, जो बाजार में तैयार एक्रेलिक वॉल पुट्टी मिलती है, इसका कोन मैंने बनाया है। ये कोन आप कैसी बनाई जाती है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह की एक्रेलिक वॉल पुट्टी ना हो तो आप वॉल पुट्टी पाउडर से भी इस तरह का कोन बना सकते हो। आप इसकी जगह पे मार्बल पाउडर की कोन का भी यूज़ कर सकते हो और 3D लाइनर का भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कमल की डिज़ाइन बना रही हूँ और
ये कमल की डिज़ाइन मेरे क्राफ्ट को बहुत ही अच्छा और बहुत ही एट्रैक्टिव सा लुक दे रही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम पूरे क्राफ्ट के ऊपर लोटस की डिज़ाइन बनाएंगे और यही वॉल पुट्टी कॉन से हम पूरे क्राफ्ट के ऊपर आउटलाइनिंग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारे कमल है वो अब लग के रेडी हो गए हैं और हम बॉर्डर की डिज़ाइन को भी जैसे हमने नीचे बनाई है वैसे ही डिज़ाइन हम ऊपर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जिगजैग वाली डिज़ाइन बना के ट्रायंगल वाली डिज़ाइन बना के रेडी कर ली है और हमारा ये जो डिब्बा है इसे मैं डिब्बा तो नहीं कहूँगी लेकिन मैंने यहाँ पे पेन स्टैंड बनाया है। इस पेन स्टैंड के अंदर हम ट्रायंगल शेप के मिरर्स को ऊपर और नीचे दोनों की तरफ लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल शेप के मिरर्स मेरी ये ट्रायंगल की डिज़ाइन में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इससे मेरे क्राफ्ट है वो भी बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, सभी मिरर्स अपनी जगह पे बैठ गए हैं, जाके अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं उन फ्लावर्स के अंदर मैं टेराकोटा कलर का, मेरे पास ये जो कॉन है इस कॉन से मैं शेडिंग करूँगी जिससे मेरा क्राफ्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सभी लोटस को हम इसी तरह टेराकोटा कलर से फिल कर देंगे। और साइड में जो गैप है वहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर का कॉन लिया है और इससे मैं लीव्स बना रही हूँ। तो इसी तरह आप भी अपने क्राफ्ट को अच्छी तरह से डेकोरेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये पेन स्टैंड है, आप पेन स्टैंड के तौर पे भी इसका यूज़ कर सकते हो और फ्लावर पॉट के तौर पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे पेन स्टैंड बनाना था तो मेरा ये पेन स्टैंड अब लीव्स लग के और रेडी होके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का क्राफ्ट कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल पे पहली बार हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।